Hello student, standard 7, subject maths, chapter 13, exponents and powers, exercise 13.2, question number 3, 2 तक हमने किया था, say true or false and justify your answer, ये true है या false है, हमें कहना है और हमारा answer भी justify करना है, 10 multiply 10 का power है, 11 is equal to 100 का power है, 11, तो हम क्या करेंगे, left hand side, ये है और ये राइट हैंड साइड है सो 10 मल्टीप्लाई 10 का पावर 11 10 का पावर 1 है मल्टीप्लाई 10 का 11 है बेस से में पावर को प्लस कर देंगे 1 प्लस 11 मतलब 10 का 12 पावर हो गया 10 का 11 पावर है तो यहाँ पे हम सॉरी 100 का 11 पावर है तो हम क्या करेंगे 10 का स्क्वायर 10 मल्टीप्लाई 10 100 होता है तो हम क्या करेंगे 10 का स्क्वायर और उसका 11 पावर मतलब 10 का 2 मल्टीप्लाई 11 मतलब 10 का कितना पावर हुआ 22 तो ये दोनों इक्वल नहीं है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नॉट राइट हैंड साइड द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स उसके बाद है 2 का क्यूब ग्रेटर देन 5 का स्क्वायर 2 का क्यूब कितना होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8 और 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 5 इज 25 तो 25 बड़ा है 2 का क्यूब बड़ा नहीं है सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का पावर है 5 तो 2 का लेफ्ट हैंड साइड 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8 3 3 जा 9 8 9 जा 72 6 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 7776 ये दोनों इक्वल नहीं है सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नॉट राइट हैंड साइड सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स नेक्स्ट है 3 का पावर है 0 और 1000 का भी 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 3 का पावर 0 इज इक्वल टू 1 और राइट हैंड साइड 1000 का पावर 0 इज इक्वल टू 1 तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ये दोनों का 1 है सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 4 एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर only in exponential form 108 multiply 192 exponential form में लिखना है okay so 108 है और 192 है sorry तो यहाँ पे 8 है 2 से चलाएंगे क्या आएगा 54 2 जा 72 2 जा 54 9 3 जा 27 3 3 जा 9 और 3 sorry 3 3 जा 9 3 1 जा 3 ओके तो 108 का क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 अब 192 का 2 से करेंगे 96 192 डिवाइड 2 करोगे कितना आएगा 96 96 को 2 से 48 2 जा 96 42 को 2 से डिवाइड करोगे 24 2 जा 48 12 2 जा 24 2 6 जा 12 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3 तो 192 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 सो 108 मल्टीप्लाई 192 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 तो यहाँ पे 2 हमने कितनी बार आए 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 2 का 8 पावर मल्टीप्लाई 3 1 2 3 4 और 3 का 4 पावर उसके बाद है 270 तो उससे हम 0 है इसलिए 2 से चलाएंगे 270 को 2 से डिवाइड करो कितना आता है 135 वन और 3 4 4 प्लस 5 9 हाँ 3 के पावर टेबल में 9 आता है इसलिए 3 से चलेगा 135 को 3 से डिवाइड करो कितना आएगा 45 देन 3 से 15 3 जा 45 3 5 जा 15 5 1 जा 5 सो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 2 कितनी बार है एक ही बार है 3 है वो 3 बार है और 5 है वो 1 बार है तो ये हमारा आंसर आ गया नेक्स्ट 729 मल्टीप्लाई 64 9 है किससे चलेगा 3 से 729 को 3 से डिवाइड करो कितना आएगा 243
243 को भी 3 से डिवाइड करो, 81 3 ज़ा 243, 3 से 27, 3 ज़ा 81, 27 3 ज़ा 81, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 1, 729 का क्या आया, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 64 2 से क्या आएगा, 32 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 8 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 1, 64 का क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे 3 कितनी बार है, दोनों को मल्टीप्लाई एक साथ में करेंगे तो 3 है, 1 2 3 4 5 6 टाइम, मतलब 3 का 6 पावर मल्टीप्लाई, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 2 भी 6 बार है, सो 2 का भी पावर 6। उसके बाद है 768, 8 है लास्ट में, 2 से चलाएंगे, 768 का डिवाइड करो 2 से तो क्या आएगा, 384, 384 को 2 से डिवाइड करो या हाफ करो, 192, 192 को 2 से डिवाइड करो, 96, 96 को 2 से डिवाइड करो, 48, 48 को भी 2 से डिवाइड करो, 24, 24 को 2 से डिवाइड करो, 12, 12 2 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 1, तो यहाँ पे क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 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 3, मतलब क्या हुआ, 2 कितनी बार हुआ, 8 बार, 2 का पावर 8 मल्टीप्लाई 3 का 1 पावर, मतलब 2 का 8 मल्टीप्लाई 3, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5, सिंप्लीफाई, ये तो अब आपको आता ही है, 2 का 5 पावर है, उसका 2 है मल्टीप्लाई 7 का क्यूब है और अपॉन में 8 का 3 मल्टीप्लाई 7, ओके। तो यहाँ पे देखो, ये मल्टीप्लाई पावर का भी पावर है, सो 2 का 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 का 3 पावर अपॉन में 8 है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तीन बार करें तो 8 होता है, मतलब 2 का 3 पावर और सारे ब्रैकेट्स का 3 मल्टीप्लाई 7 का एक यहाँ पे 1 पावर है। अब 2 का कितने पावर हो गए, 5 2 ज़ा 10 मल्टीप्लाई 7 का 3 और 3 3 ज़ा 9, मतलब 2 का 9 पावर मल्टीप्लाई 7 का 1, ओके। अब माइनस कर देंगे, 2 का 10 में से 9 माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई 7 का 3 में से 1 माइनस कर देंगे, तो 2 का 1 पावर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर, तो 2 का 2 मल्टीप्लाई 7 7 ज़ा 49, मतलब 49 2 ज़ा 98, ओके। नेक्स्ट देखो, 25 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई टी का 8 पावर 10 का 3 मल्टीप्लाई टी का 4 पावर, तो यहाँ पे 25 है, 5 का स्क्वायर करेंगे मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई टी का 8 पावर अपॉन में 10 है, 2 5 ज़ा 10 होता है, सो 2 मल्टीप्लाई 5 और 2 मल्टीप्लाई 5 उसका क्यूब मल्टीप्लाई टी का 4 पावर, यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन है, 2 2 को ऐड कर देंगे, 2 प्लस 5 का 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई टी का 8 पावर अपॉन में 2 का 3 पावर मल्टीप्लाई 5 का 3 मल्टीप्लाई टी का 4 पावर, 5 का 4 पावर हो गए मल्टीप्लाई टी का 8, 2 का 3 मल्टीप्लाई 5 का 3 मल्टीप्लाई टी का 4 पावर। अब यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 का 3 पावर है, माइनस कर देंगे, 5 का 4 माइनस 3 और टी का भी 8 है और यहाँ पे 4 है, तो 8 माइनस 4 और अपॉन में 2 का 3 पावर, 5 का 1 मल्टीप्लाई टी का 4 बचेगा और अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा, 8, सो 5 टी का 4 पावर अपॉन 8, ओके। नेक्स्ट है 3 का 5 मल्टीप्लाई 10 का 5 मल्टीप्लाई 25 अपॉन में 5 का 7 मल्टीप्लाई 65, 3 का 5 10 क्या होता है, 2 5 ज़ा 10, मतलब 2 मल्टीप्लाई 5 सारे ब्रैकेट्स का 5 पावर 25, तो 5 का स्क्वायर अपॉन में 5 का 7 पावर मल्टीप्लाई यहाँ पे 6 का 5 पावर है, तो 2 3 ज़ा 6 और सभी ब्रैकेट्स का 5 पावर, 3 का 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 का भी 5 और 5 का भी 5 पावर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, 5 का 7 मल्टीप्लाई 2 का 5 और 3 का 5। अब देखो 3 का 5 कट हो गया, ओके, 2 का 5 वो भी कट हो गया, अब
ऐसे भी कर सकते हो, 2 का 5 अपॉन में 2 का 5, 3 का 5 अपॉन में 3 का 5, और 5 का 5 प्लस 2 अपॉन में 5 का 7, 2 का 5 अपॉन में 2 का 5 मल्टीप्लाई 3 का 5 मल्टीप्लाई 3 का 5 मल्टीप्लाई 5 का 7 अपॉन में 5 का 7, ये ऐड कर देंगे, सभी कट हो जाएंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1। ओके, सो टुडे योर होमवर्क इज वर्कबुक क्वेश्चन नंबर 11 एंड एक्टिविटीज़। ओके, वर्कबुक क्वेश्चन नंबर 11 एंड एक्टिविटी। थैंक यू।